हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज यू नो दैट आई एम प्रयाग। सो गाइज आज के दिन की शुरुआत करते हैं, काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। मैं जल्दी नहा लिया, उठ के जल्दी उठा क्योंकि आज एक अच्छी वाली डेस्टिनेशन छोटा सा ट्रैक कवर करना है आज मुझे। महाराष्ट्र में हूँ जैसा मैंने बताया, देवलाली टाउन में। अब वहाँ से हम लोग थोड़ा नासिक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे एक पांडुरंग पहाड़ी नाम की एक हिल है जहाँ पे ट्रैक करने के लिए आज मुझे मिलेगा। तो चलिए बिना किसी वेट करते हैं, सबसे पहले अपने बाल थोड़े ठीक करते हैं और अपना गेटअप थोड़ा जैकेट वैकेट डालते हैं। तो चलिए बिना किसी चीज़ का वेट करते हुए चलते हैं आज जल्दी से, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। सो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ। अच्छा, मैंने नॉर्मल टी शर्ट डाला है, पैंट डाला है, थोड़े वाले ट्रैकिंग शूज़ डाले हैं, एक नंबर नॉर्मल वॉच क्योंकि आज ट्रैक होने वाला है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ हैवी डाला नहीं क्योंकि गर्मी लगेगा अच्छा खासा। और गाइस टाइम हो रहा है अभी 10:30 और डेट है आज 13th of January। मेरे कॉलेज के लिए करीबन 7 days रह गए हैं रीओपनिंग के लिए, तो अब रीओपनिंग में भी जाएंगे यार, मन तो करता नहीं कभी कॉलेज वापस जाने का, लेकिन फिर क्या करें, पढ़ाई है, क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा। अब देखते हैं, अब कार बुक करने गए हैं मेरे पापा, कार बुक करके ले आएंगे तो अपना ट्रैक चालू होएगा। यहाँ से पांडुरंग पहाड़ी के लिए निकलेंगे, पता नहीं अराउंड कितने टाइम में पहुँच जाएंगे। मैं करीब 8 साल पहले, करीब जब मैं 4th में था और जब मैं 6th में था, मैं 2 बार अपने इस यहाँ के प्रीवियस स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल से 2 बार वहाँ पिकनिक के लिए गया था। याद नहीं अब उतना, 6-7 साल पहले की यादें इतनी धुंधली हो रखी हैं, लेकिन अब जाके यादें फिर ताज़ा होंगी, फिर वो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी वापस की, वो फील वापस आएगी जो हम दोस्तों के साथ वहाँ ट्रैकिंग के लिए या फिर पिकनिक के लिए जब जाते थे तो वो जो फील रहती थी वो वापस आज मैं फील करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं अब कैसा चलता है, जैसा जैसा चलता है आपको पता लगता रहेगा। तो जस्ट गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अब गाड़ी बुक होके आती है तो चलते हैं फिर। सो हियर वी गाइज, आई एम एट डी कैथन मॉल। ये यहाँ पे कौन सा मंदिर कौन सा है सर? जैन मंदिर के जस्ट सामने है ये मॉल। अब मेरे को तो पता नहीं था, पापा को भी पूरा लोकेशन ढंग से नहीं पता था, तो यहाँ पे ड्राइवर को बोला तो उन्होंने पूछ के बता दिया कि डी कैथन मॉल यहीं पे जैन मंदिर के सामने। तो अब मेरे जस्ट सामने पांडुरंग पहाड़ी है जिस पर हम जाने वाले हैं कुछ देर बाद। तो पहले यहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, वो करेंगे, फिर जाएंगे पांडुरंग पहाड़ी पे, उसके बाद एक्सप्लोर करने। तो देखते हैं अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं, पूछ लेते हैं, अगर होगा तो फुटेज आ ही जाएगा, देख लेना। तो है वी गाइस एट द कैथलन मॉल, आई एम इनसाइड इट। अब मैंने पूछा मेन यहाँ से जो सिक्योरिटी रहते हैं वहाँ से, उनसे पूछा कि मैंने भाई कैमरा अलाउड है या नहीं है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत है, हम यूज़ कर सकते हैं कैमरा आराम से अंदर। देख लीजिए डी कैथलन मॉल है ये पूरा। So guys, these are roller skates as you all know, inline roller skates. So guys, काफ़ी टाइम से बचपन से सपना था कि इनलाइन रोलर स्केट्स खरीदूँगा अभी, लेकिन अभी तो यार मेरे पास ना टाइम है और ना जगह इन्हें चलाने के लिए। तो होप्स हो कि बड़े होकर कभी टाइम मिलेगा, जगह मिलेगी तो दस्तूर बनेगा तो खरीदेंगे इन्हें भी। अभी तो फिलहाल मैंने एक अपने लिए स्वेट शर्ट ली है रनिंग के लिए, और एक पापा ने अपने लिए एक पेयर शूज़ लिया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 11 o'clock टाइम हो चुका है, अब जहाँ से थोड़ा बहुत देर में हम निकलते हैं अपने, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करेंगे आज, तो चलते हैं, हम बिलिंग विलिंग कराते हैं, मिलते हैं बाहर। बीच में अब ज़्यादा कैमरे में मेरी बैटरी बची नहीं है, अनफॉर्चुनेटली चार्ज करना भूल गया था मैं इसे, क्या कर सकते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, क्लियर आ रहा है। गाइस ट्रैकिंग का पूरा मज़ा आ रहा है। खैर हालत खराब हो चुकी है भैया, मैं तो बैठ गया यार, अब रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। तुम सांस एकदम दबा के फूल रही थी, दबा के, लेकिन जब तक सांस ना फूले ट्रैकिंग का मजा क्या।
भाई ये भी ट्रैकिंग करने आया हुआ है। अरे ये उड़ेगा स्टेयर में गाड़ी, ये उड़ेगा स्टेयर। अरे अभी अभी छोटू देख के गया, क्या कर रहा है भाई ये। तो चलो ज़्यादा ब्रेक नहीं लेते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ से पीछे का नज़ारा भाई एकदम औसम नज़ारा है पीछे का। तोड़ तो गाइस हमारा अच्छा खासा पोपट होते होते बच गया। गाने हटाते हैं पहले, पोपट होते होते बच गया हमारा क्योंकि हम अपना वॉलेट मम्मी के पास भूल गए थे, यहाँ 25 का टिकट था, इस वजह से पोपट होते होते बच गया क्योंकि वापस जाना पड़ता आ रहा है। उतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी कि मैं वापस चला जाऊँ, उतना गट्स नहीं है मेरे द्वारा वापस जाके वापस आने के। ये है मेन पांडवा केव्स, ग्लेयर आ रहा मेरे को पता है, अब दिखेगा पांडवा केव्स। चलिए पांडवा केव्स में चलते हैं ऊपर। सो गाइस दिस इज द वन ऑफ द पांडवा केव्स वी हैव ओवर हियर। काफ़ी सराउंड साउंड कैडा आ रहे हैं। सो गाइस मज़े तो आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। पुरानी यादें सब ताज़ा हो रखी हैं मेरी, बिल्कुल ऐसा है मतलब ये फील हो रहा है कि अभी मैं अपने 6-7 साल पहले आ रखा हूँ दोस्तों के साथ। यहाँ आस पास घूम रहे हैं सब, मज़े तो आ रहे हैं भाई कैडे। अंदर इतना लो लाइट कंडीशन है और इतना अच्छा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी ठीक ठाक नज़ारे होंगे। मैं आपको फ़ोन से अपना फ्लैश ऑन करके थोड़ा वीडियो कैप्चर करूँगा, तो देख लेना अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई ज़रूर, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। देख लिया होगा अपने ट्रैकिंग में क्या मेहनत लगी थी कैडी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस हो कुछ भी जाए व्लॉग नहीं रुकना चाहिए, व्लॉग नहीं रुकेगा, फ्लैश लाइट से व्लॉग कर रहे हैं, देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है। और यहाँ पे एक बंदा मेडिटेट भी कर रहा है मेरे जस्ट पीछे, यहाँ बिल्कुल जस्ट पीछे मेडिटेशन भी कर रहा है। तो गाइस ये है एक रूम टाइप का, पता नहीं है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब दूसरा केव चलते हैं, बाहर चलते हैं। जैसा भी आपने देखा कि वो वाटर होल में वहाँ पे बॉटल्स पड़े हुए थे, रैपर्स पड़े हुए, तो भाई अगर ऐसी जगह पर आते हो कहीं भी, पर पीछे डस्टबिन था मैंने भी देखा था, मैंने भी चिप्स खाया वहाँ पे, मैंने फेंका रैपर। वो भाई इतनी अच्छी जगह पर रुइन मत करो प्लीज़, अगर आपको खुद कहीं भी दिखता है तो प्लीज़ आप एक अच्छे मतलब अच्छे लोग के अच्छे पर्सन की तरह ह्यूमैनिटी दिखाते हुए, ताकि ये ऐसी जगह ख़राब ना हो टूरिस्ट प्लेसेस, क्योंकि इनकी सफाई रहना ज़रूरी है। वैसे अपनी सिटी की और वहाँ की भी सफाई रहना ज़रूरी है, वो बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कचरा ना फैलाएं, एक पॉलिथीन कैरी कर लो सारा कचरा उसमें डाल लो, फिर कहीं डस्टबिन दिया तो उसमें डाल दो, तो इससे क्या थोड़ा क्लीनलीनेस बना रहेगा। और क्या नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा, कैंट नज़ारा भाई कैंट। और अभी हाँ ये वीडियो फ़ोन से आ रहा है क्योंकि मैं जैसा कह रहा था हमारे फ़ोन का बैटरी सॉरी कैमरे का बैटरी डेड होने वाला है, वो डेड हो गया है। क्या नज़ारा भाई क्या। तो गाइस इस माउंटेन की कहानी है कुछ पुरानी। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब महाभारत की युद्ध हुआ था स्टार्टिंग में काफ़ी साल पहले काफ़ी, तो जो हमारे पांडव थे 5 वो यहीं पे आ गए अपने 14 वर्ष के वनवास में। कुछ टाइम यहाँ उन्होंने स्पेंड कर रहा था, यहाँ छुप के रहे थे। तो पीछे जब मैंने आपको दिखाया मतलब वाटर पॉन्ड, वहाँ से वो पानी पीते जो कि अब गंदा कर दिया है लोगों ने, केड़ी गंद मचा दी है। और नज़ारा यार मेजमराइजिंग नज़ारा है यहाँ से, जस्ट एज लाइक मुंबई। यहाँ से थोड़ा दूर ऐसे देखा जाए तो लगता है जस्ट लाइक मुंबई है, यहाँ से मेन हाईवे के पीछे मुंबई स्टार्ट हो जाता है ऐसा लगता है। और आगे कुछ और केव्स हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं।
So guys, if you visit here, so do visit Panduranga Phadi, which local people call Panduranga Phadi. वैसे Pandwa Hill कहते हैं शादी से, वैसे language में जो अलग होती है. और local में तो ऐसे Panduranga Phadi कहते हैं. So guys, do visit here. पीछे का नजारा तो देख लिया हो आपने, क्या mesmerized नजारा पीछे का. नज़ारा मैं दिखा देता हूँ, ये रहा नीचे का नज़ारा पूरा, जस्ट एज बिफोर, बिल्कुल सेम नज़ारा है, सेम हर जगह, हर चीज़ सेम है यहाँ की, कुछ नहीं बदला भाई, कुछ नहीं. ये मेरे जस्ट सामने एक डोम है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या था, मैं रिमेम्बराइज नहीं कर पा रहा कि क्या नाम. तो गाइस यही है वो, मतलब यहाँ पे स्टैचू था, यहाँ पे अब हम सारे के सारे स्कूल वाले आके बैठ जाते थे, मतलब बच्चे रहते सबको यहाँ मेडिटेशन करवाने लाते थे हमारे यहाँ पे. सराउंड साउंड क्या आ रहा है भैया, कैमरा लाउड नहीं है वैसे यहाँ पे, बस बना ही रहा हूँ मैं कैसे. तो भाई अंदर ना सेल्फी अलाउड था ना कैमरा अलाउड था, तो मगर फिर भी छोटा सा शॉट मैंने निकाल लिया. जुगाड़ो एक ग्लास दे दीजिए. हाँ एक ग्लास से. मज़ा होता है, एक रिफ्रेशिंग फील हो रहा है पीछे.